नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिनभर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में आ रहे स्वास्थ्य कर्मी, हिमाचल में 17 दिन में 119 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। 583 शिक्षकों को जल्द मिलेगी नौकरी, प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने तेज की कदमताल। गहरी खाई में लुढ़की जेसीबी, 4 की मौत, 3 घायल, बंजार में पेश आया दर्दनाक हादसा। सरकार की शह पर सीमेंट के रेट बढ़ा रही कंपनियां, कांग्रेस अध्यक्ष राठौर ने जड़ा आरोप। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में कोरोना की तीसरी लहर ने स्वास्थ्य कर्मियों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। पहली से 16 जनवरी तक प्रदेश के 119 डॉक्टर और 80 पैरामेडिकल स्टाफ संक्रमित हो चुका है। प्रदेश में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी IGMC और टांडा मेडिकल कॉलेज में संक्रमित हो रहे हैं। IGMC के MS डॉक्टर जैन क्रास समेत कई प्रशासनिक अधिकारी भी संक्रमित हो चुके हैं। इतना ही नहीं, शिमला के एकमात्र महिला अस्पताल KNH में भी स्टाफ और डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं, जिससे यहां पर पहुंचने वाली महिलाओं को भी दिक्कतें आना शुरू हो गई हैं। स्टाफ और डॉक्टरों के संक्रमित हो जाने से उपचार में दिक्कतें आ रही हैं। राज्य में कुल 199 स्वास्थ्य कर्मी 16 दिन में संक्रमित हो चुके हैं। टांडा में सबसे ज्यादा डॉक्टर संक्रमित हुए हैं, जबकि पैरामेडिकल स्टाफ के सदस्य भी संक्रमित हो रहे हैं। अगर इसी तरह डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के सदस्य संक्रमित होते रहे तो अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती हैं। प्रदेश के 583 कमीशन पास TGT मेडिकल, नॉन मेडिकल व आर्ट्स को जल्द नियुक्ति मिलेगी। 2 माह से नियुक्ति के इंतजार में बैठे शिक्षकों को राह देने की तैयारी विभागीय स्तर पर शुरू हो गई है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग 20 जनवरी को शिक्षा मंत्री के पास अप्रूवल के लिए फाइल भेज देगा। शिक्षा मंत्री से मंजूरी मिलने के बाद TGT शिक्षकों को नियुक्ति दे दी जाएगी। बता दें कि इस वक्त 305 आर्ट्स मेडिकल के 135, नॉन मेडिकल के 143 TGT शिक्षक कमीशन पास हैं। हमीरपुर चयन बोर्ड की ओर से कमीशन पास अभ्यर्थियों की सूची पिछले महीने ही विभाग के पास पहुंच गई है। जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार में JCB के गहरी खाई में गिरने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। जानकारी के अनुसार बंजार के दलसाड़ सड़क ग्रामों के साथ लगते सामी नाला के पास काम करते हुए एक JCB गहरी खाई में लुट गई। बताया जा रहा है कि JCB सड़क से करीब 200 मीटर नीचे पहाड़ी से नीचे लुढ़क गई। इस हादसे में मौके पर ही 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 3 जो अन्य लोग JCB में सवार थे वे भी घायल हुए हैं। SP कुल्लू गुरुदेव ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। फिलहाल JCB के लुढ़कने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, पुलिस छानबीन कर रही है। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के दाम पड़ने पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार की घेराबंदी की है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने इसे लेकर सरकार पर सांठगांठ का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर लोगों को महंगा सीमेंट खरीदने पर मजबूर कर रही है। जयराम सरकार ने सीमेंट कंपनियों को प्रदेश में लोगों को लूटने की खुली छूट दे रखी है। कुलदीप राठौर ने यहां कहा कि प्रदेश में पड़ोसी राज्यों की तुलना में 50 से 60 रुपये प्रति बैग लोगों से ज़्यादा वसूले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल की स्वच्छ आबोहवा की कीमत पर बनने वाला सीमेंट प्रदेश के लोगों को महंगी दरों पर मिले, ये प्रदेश के लोगों के साथ लूट व अन्याय है। प्रदेश में सीमेंट की दरें तुरंत कम कर प्रदेश के लोगों को राहत दी जानी चाहिए। मास्क पहनी जा
बजा रहे हो कराता दिख दे रहा न्याने हो मास्क पहनी जाना बजा रहे हो कराता दिख दे रहा न्याने हो गरम तो पानी पिया करो सारे हो दो बेला किया करो गरारे हो आया बुलों को आया करो ना हो बुरा ही हुंदा जलेया करो ना हो आया बुलों को आया करो